दोस्तों नमस्ते, मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, अगर आपके पार्टनर का नाम के लेटर से स्टार्ट होता है, उनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए क्या है। अगर आपके पार्टनर का नाम के लेटर से स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं। तो के एनर्जी में देखती हूँ, अगर आपके पार्टनर का नाम के लेटर से शुरुआत होता है तो वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। के लेटर के इंचेस प्लीज गाइड करें। लेटर के व्यूअर्स के पार्टनर्स का नाम के लेटर से शुरुआत होता है, इंचेस प्लीज गाइड करें। क्या फील करते हैं व्यूअर्स के लिए, इंचेस प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ वांड्स, द चैरियट, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वांड्स। देखिए, पहला तो आपके लिए आपके पार्टनर के अंदर प्यार बहुत है, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोग के बीच में, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखिए ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, लेकिन आपके पार्टनर अपने लाइफ में परेशान जरूर दिख रहे हैं। देखिए, इनका दिल जो कह रहा है ना कि वो आपसे माफ़ी मांगे, और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उन्हें वो दूर करें, मतलब आप दोनों की जो दूरियां हैं उसे ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू भी आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात भी करना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी है तो एक्शन भी लेना चाहते हैं और कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन इन्हें रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको पेन दिया है, ठीक है। तो देखिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी भी बैलेंस नहीं है, गौर कीजिएगा। या फिर आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसी बातें हैं जो लाइफ के पेरेंट्स रिलेटेड हो, या लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन हो जो आपसे ये छुपाते हैं। लेकिन ये इनसे मतलब आप बैलेंस होकर बात कीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा चीज़ें छुपा सकते हैं, लेकिन वो आपके तरफ एक्शन ले सकते हैं। इस वक्त उनका दिल कर रहा है कि वो आपसे बात करें, कॉल करें, मैसेज करें, ये डायरेक्ट आपसे मिले, वो आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इनको रिग्रेट इसलिए हो रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। तो आपके बीच में क्या है ना कि ऑन ऑफ सिचुएशन है, इमोशंस काफ़ी है, लेकिन आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इश्यू भी है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, लेकिन अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को वो छुपाते हैं। ये आपसे बात कर माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, काफ़ी अपने आप को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस रिश्ते में वो भी सक्सेस चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द ट्रैवल दिख रहा है, ये भी एक्शन की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल दिख रहा है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और प्यार इमोशंस ऑफर कर ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो ये है आपके पर्सन की डीप इमोशंस, उनके फीलिंग्स है जो आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।